दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। रूपंदेही के तिलोत्तमा नगरपालिका द्वारा लगानी सम्मेलन के आयोजना। नेपाल में लगानी खातिर उत्साहजनक वातावरण बनल, नेकपा अध्यक्ष दाहाल के दावी। भंसा के एगो दुकान के सतर काट के चोरी करे वाला गिरोह पकड़ाइल। जनकपुर धाम क्षेत्र में सादा पोशाक के प्रहरी परिचालन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगे वाला बेलबास बेथरी सड़क निर्माण में तेजी। पूर्व पश्चिम राजमार्ग से नमूना सड़क विस्तार संगे ही पर्यटक के सहजोखी। अमेरिका यूक्रेनी राष्ट्रपति बीच के टेलीफोन वार्ता सार्वजनिक। ट्रंप प्रतिस्पर्धी के राजनीतिक छवि बिगाड़ेला, विदेशी सहायता लेहल आरोप। आईसीसी T20 क्रिकेट के नया वरीयता में नेपाल के 3 गो खिलाड़ी परल। कप्तान पारस यथावत, सोमपाला बसंत एक स्थान नीचे। अब पूरा समाचार। नेपाल में लगानी खातिर उत्साहजनक वातावरण तैयार भइल। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दावी कैले बानी। रूपंदेही के तिलोत्तमा नगरपालिका से आयोजना कैल गई तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन उद्घाटन करत अध्यक्ष दाहाल नेपाल में लगानी मैत्री वातावरण बन चुकल बतौले बानी। कार्यक्रम में बोलत अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, लंबा समय से नेपाल के औद्योगिक स्थिति जटिल बनला पर भी शांति आ स्थायित्व संगे ही लगानी के वातावरण तैयार भइल जिक्र कैने हैं। वही लेखा अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा लगानी मैत्री अवस्था खातिर अनुकूल राजनीतिक वातावरण जरूरी रहला से भी जोर देने। रूपंदेही के तिलोत्तमा में नगरपालिका द्वारा आज से शुरू लगानी सम्मेलन 2076 में ज्यादातर नेता तथा स्वदेशी आ विदेशी लगानीकर्ता सबके उपस्थिति रहल बा। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेस नेता मार्शल जुलुम साके के योगदान बारे चर्चा करत ओसन सपूत सबके याद करेला कहले बानी। मार्शल जुलुम स्मृति प्रतिष्ठान से काठमांडू स्थित ओम बहाल में कैल गई प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सभापति देउवा लोकतांत्रिक आंदोलन के योद्धा साक्य के निधन से देश के राजनीति में बड़का क्षति पुगल कहत ऐसन योद्धा सबके देश से भी समझेला कहनी। प्रसाद नहीं चाहिए हम लोग पार्टी में ऐसा ऐसा देते होते ऐसा ऐसा तो डेडिकेटेड समर्पित इसलिए सो दिन लगाए होते तब बुलेट कोई फॉर्म नहीं बनी और पार्टी लगा दी हो। सभापति देउवा तत्कालीन राजा विक्रम संवत 2017 पुष 1 गते जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के सरकार के हटावला बाद साक्य राजतंत्र विरुद्ध पहिलका बार आंदोलन शुरू कैल याद कैले रहनी। धनुषा के जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेन गेट में ही रहल एगो दुकान में चोरी करे वाला गिरोह के प्रहरी पकड़ लेबा। आज भिनसारे 3:30 बजे जनकपुर फर्निशिंग के शटर काट के चोरी करे के क्रम में प्रहरी गोली प्रहार करके चोर के पकड़ लेबा। पकड़ाए वाला में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 में डेरा में रहे वाला 55 बरस के विनोद सिंह, रौतहर के वृंदावन नगरपालिका 1 रमौली के 35 बरस के गगनदेव पटेल, भारत बिहार स्थित सीतामढ़ी बैरगनिया वार्ड नंबर 7 के 39 बरस के उजीर अंसारिया सीतामढ़ी घर होके अभिन जनकपुर धाम में डेरा में रहे वाला 40 बरस के इलियास रायन बाटे लोग। ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती करके जिला प्रहरी कार्यालय लौट रहल सादा पोशाक के प्रहरी टोली चोरी करे वाला गिरोह के पकड़ लख। जनकपुर धाम क्षेत्र में तीज त्यौहार लक्षित सादा पोशाक के प्रहरी परिचालन कैल गई धनुषा प्रहरी जनौले बा। प्रहरी से चलावल गोली चोर के गोड़ में लागल बा। नेपाल के ही नमूना सड़क के रूप में परिकल्पना कैल गई रूपंदेही के बेलबास बेथरी सड़क निर्माण के काम जोर शोर से हो रहल बा। 1 वर्ष तक विभिन्न बहाना में निर्माण आगे ना बढ़ला बाद प्रदेश सरकार के सहजीकरण में काम शुरू भइल ह। रूपंदेही स्थित बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेला परिकल्पना कैल गेल नमूना सड़क निर्माण के काम शुरू भइल बा। बुटवल के नहरपुर से बेथरी तक नहर के दुनू ओर दू लेन के सड़क आ नहर के तीरे हरियाली सहित के उद्यान सहित के बेलबास बेथरी सड़क निर्माण हो रहल बा। 2073 साल से निर्माण शुरू भइला पर भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के योजना हस्तांतरण में ढिलाई से काम रुकल रहे। बेलबास बेथरी सड़क यो प्रदेशको र यो रूपन्देही जिल्लाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सडक हो। यो सडकको लागत अनुमान 1,67,00,000,000 छ। यसको कुल लम्बाइ 21 किलोमिटर प्लस छ।
यसका तीनटा खण्डहरूमा तीनटा निर्माण व्यवसायी छनौट गरेर काम अगाडि बढेको छ र गत वर्ष यो प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएर आएको हो। सडक निर्माण अन्तर्गत नहर सरसफाई, पक्का के दीवार निर्माण लगायत के काम हो रहल बा। 1,67 करोड रुपया लागत में निर्माण समझौता भेल सड़क के 45% काम उड़ा गेल बा। अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अलुमिनी आवत जावत में प्रमुख मार्ग के रूप में बिलबास बेथरी सड़क के लेहल गेल बा। त्यो एरियालाई खास गरेर यो तिनौभन्दा पश्चिमको एरियालाई यातायातको हिसाबले, यात्रुवाहकको हिसाबले पनि अब त्यसले धेरै ठुलो सपोर्ट गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसपालि त्यसमा 30 करोडको लगानी अहिले गर्दैछौँ। नहरके दुनुओर ग्रिनेरी बेल्ट आ बाहर 7-7 मिटर चौडा सडक, 2 मिटर के साइकल लेन आ 1.8 मिटर के फुटपाथ भी बनावल जाई। रूपन्देही से विकास परांजुली की रिपोर्ट। विभिन्न अपराध में शामिल 4,000 से ज्यादा व्यक्ति सप्तरी प्रहरी के फरार सूची में रहल बा। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी दशहरा, दीपावली आ छठ के सुरक्षा नीति सार्वजनिक करत 2009 साल से विभिन्न आपराधिक गतिविधि में शामिल 4,400 जने फरार रहल तथ्यांक सार्वजनिक कैले बा। भारतीय नाका से 78 किलोमीटर सीमा जोड़ल सप्तरी में आपराधिक घटना करके सीमा पार जाए वाला के संख्या ज्यादा बा। फरार व्यक्ति के कानूनी दायरा में लियावेला विशेष योजना के साथे आगे बढ़ला तीज पर्व में होखे वाला आपराधिक गतिविधि में भी मजबूत सुरक्षा योजना बनावल सप्तरी प्रहरी जनावले बा। माने कि यो चार्ट पर लक्षित सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में विशेष के हाईवे बस जी रोड फोकस दिस जिसमें बाबत अपराध दाय जी टेकेर जिन दंड का घटना देखि गरे सबै कुरा सम्बन्ध प्रबन्ध दिएको छ। विशेष पनि यी सबै कुरामा हामी चाहिँ फोकस भएर हामी हाम्रो जति पनि मेन पावर छ एकदमै उत्तर गतिमा अघि बढ्छौँ र जाने यो कुरालाई हामीले चाहिँ अगाडि रूपमा बढाउँछौँ। सुरक्षा योजना अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, सोना चाँदी के दुकान लगायत आर्थिक कारोबार होखे वाला ठाउँ में सादा पोशाक प्रहरी परिचालन करे के, होटल लज सब में नियमित रूप में चेकिंग करे के आ अपराधी घटना होखे ना देवे खातिर रात के समय में मजबूत सुरक्षा दस्ता तैयार कैल गई जनाओल गई बा। 1 महीना पहले ही नेपाल के विभिन्न बैंक से करोड़ों रकम चोरी भइल। ई घटना नासराते ही फिर एक बेर बैंक सबसे 5 अरब रुपया चोरी के तैयारी हो रहा रहस्य खुलल बा। बार बार होखे वाला ऐसन चोरी के से नेपाल के बैंक के सुरक्षा प्रणाली में ही चुनौती बढ़ल देखल गई बा। नेपाल प्रहरी फेरु एक बार नेपाली बैंक आ वित्तीय संस्था से 5 अरब रुपया हैक करके विदेश ले जावे के योजना के असफल बनौले बा। करीब 1 महीना पहले काठमांडू प्रहरी चीनिया नागरिक सबसे बैंक सबसे करोड़ों रुपया चुरा के ले जावे लागल से बचौले रहे। महानगरीय अपराध महाशाखा के मुताबिक विदेशी नागरिक पीटर के मुख्य योजना में नेपाल से 5 अरब रुपया हैक करके चुराए के योजना बनल रहे। पीटर के एजेंट सब कृषि विकास बैंक से 4,73,00,000 रुपया से बेसी रकम चोरी कैले बाड़न आ पानस रेमित से 12,00,000 ले गैल बाटे। लोग करोड़ों रुपया चोरैला पर भी कृषि विकास बैंक के पता ना रहे, प्रहरी के ही पहिल का सुराग ही मिललक। कृषि विकास बैंक के पनि थाहा छैन, जब त्यो त्यो केरे पानस केरे रेमिटेन्स मा त्यो घट्यो र त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यो कृषि विकास बैंकबाट त्यो ह्याक भएको भन्ने कुरो बुझ्यो र त्यसपछि कृषि विकास बैंकलाई त्यहाँको केरे टप म्यानेजमेन्टलाई हामीले जानकारी गरायौँ, त्यसको त्यहाँको टेक्निकल एक्सपर्टहरूलाई जानकारी गरायौँ र त्यसपछि टेक्निकल एक्सपर्ट उनीहरूको र हाम्रो एक्सपर्टको कारणबाट दुइटैको सहकार्यमा चाहिँ यो सबै रोक्न सफल भयौँ। प्रहरीद्वारा हैकर के रकम चोरी में संलग्न 12 जने के पकड़ल गेल बा। 40,50,000 रुपया बरामद कल गेल बा। लगातार हो रहल बैंक हैक के घटना से बैंकिंग प्रणाली के सुरक्षा में ही सवाल उठल बा। बैंक सब सुरक्षा संयंत्र मजबूत भइल दावी करेलन। अहिले वर्ल्डकै तेस्रो सुरक्षित सफ्टवेयर टेमनस T24 हामीले युज गरेका छौं विगत 10 वर्षदेखि र यो सफ्टवेयर सुरक्षित र विश्वस्त चाहिँ सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयरबाट जे जति पूर्व योभन्दा अगाडि घटनाहरू घटे सफ्टवेयरको कारणले अथवा चाहिँ कुनै सिस्टम ह्याकको कारणले चाहिँ भएको छैन।
बैंक में राखल पैसा ही चोरी होके विदेश पुगे लगला बाद सर्वसाधारण बचत असुरक्षित महसूस कर रहल बाटे लोग। कैमरा में अमृत भट्ट के साथ रूपक कुलाल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। पूर्वी नवलपरासी के हुप्सेकोट के महिला सब संगठित होके संचालन कैल सहकारी में दशहरा खातिर खसी बोका किनेवाला के भीड़ लागल बा। लेकवेसी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी कृषि उपज के बाजारीकरण करने लगला बाद खसी बोका किनेवा आएवाला के भीड़ लागल हा। दशहरा लगीचाइल संगी बिचौलिया से किसान के ठगे से बचावे खातिर नबलपुर के पहाड़ी क्षेत्र में रहल सहकारी सब खसी बोका किने के शुरू कैले बा। 2071 साल में हुप्सेकोट गांवपालिका झ्यालबास में स्थापना भइल लेकबेसी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था बचत आ कर्जा संगी बकरी सबके बाजारीकरण में भी काम करते आ रहल बा। किसान के उत्पादन सहकारी मार्फत बाजारीकरण होके लगला बाद बिचौलिया के भी डर हट गेल बा। बेचे पनि मैले लगभग आमदानीले 1500 जति मैले आमदानी लिएँ कि अहिले चाहिँ यहाँ सहकारीहरू आएर खुलेर म हामीले यहीँ बजारकै भावमा बेच्न पाएको छौँ, ऋण नगर्नेहरू लाउन पाएको छ। हेफर इन्टरनेसनल नेपालकै सहयोगमै पहिका चरणमै किसान सबके उत्पादनमै जोड देवे खातिर खसी बोका के पाठा पाठी वितरण कल गेल रहे। किसान सब कहल समय में बिक्री करे खातिर आ उत्पादन मुताबिक के दाम ना मिलवेला समस्या भइला बाद सहकारी से 4 बरिस से संकलन केंद्र के स्थापना करके कृषि उपज के बाजारीकरण होती आ रहल बा। अरु सीजन में 150-200 बिक्री हुन्छ भने यो दशैंको बेला किसानहरूले पनि अरू बेला भन्दा दसैँको लागि चाहिँ अलिकति बेच्न रुचाउने, पैसाको पनि आवश्यक पर्ने र त्यो भएको हिसाबले आफ्नो खर्च टार्नको हिसाबले पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ दसैँमा बिक्री गर्न अलिकति रुचाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले दसैँको बेला चाहिँ अलिकति बढी बिक्री हुन्छ। सहकारी कृषक आ व्यापारीकै बैठक बैठकै खसी बोकाकै मूल्य निर्धारण कैल गेल बा। सहकारी से शेयर सदस्य के अलावा अन्य किसान सबके भी कृषि उपज सब संकलन कैल गेल बा त व्यापारी सहकारी में ही खरीद करे आवेदन सन। अहिले चाहिँ हाम्रोमा जुन उत्पादन भएको छ त्यो चाहिँ हामीसँग भएको जुन खसी पाठाहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ जुन पूर्ति गर्न नसक्ने भएकोले यहाँबाट लाने गर्दछ। हुप्सेकोट गाउँपालिकाके ज्यादातर किसान सबके मुख्य आमदानी के स्रोत ही बकरी पालन बनल बा। नवलपुर से धनु भुषाल के रिपोर्ट। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। रूपंदेही के तिलोत्तमा नगरपालिका द्वारा लगानी सम्मेलन के आयोजना, नेपाल में लगानी खातिर उत्साहजनक वातावरण बनल नेकपा अध्यक्ष दाहाल के दावी। भन्सा के एगो दुकान के शटर काट के चोरी करे वाला गिरोह पकड़ाइल, जनकपुर धाम क्षेत्र में सादा पोशाक के प्रहरी परिचालन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगे वाला बिलवास बिथरी सड़क निर्माण में तेजी, पूर्व पश्चिम राजमार्ग से नमूना सड़क विस्तार संगे ही पर्यटक के सहज होगी। अमेरिका यूक्रेनी राष्ट्रपति बीच के टेलीफोन वार्ता सार्वजनिक, ट्रंप प्रतिस्पर्धी के राजनीतिक छवि बिगाड़ेला, विदेशी सहायता ले हलारो। आईसीसी टी20 क्रिकेट के नया वरीयता में नेपाल के 3 खिलाड़ी अटाइल, कप्तान पारसी थावत, सोमपाला बसंत एक स्थान नीचे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।